साल 2018 जाते जाते देश के युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी देकर गया है। दिसंबर 2017 के मुकाबले दिसंबर 2018 में नई नौकरियों में 8% की बढ़ोतरी हुई है। ऑटो इंडस्ट्री और एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा नए लोगों को नौकरी मिली है। इस दौरान 3 साल तक एक्सपीरियंस वाले युवाओं की नौकरियों में 9% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मैनेजमेंट लेवल पर 8 से 12 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को 7% से ज्यादा नौकरी मिली। सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर नौकरियों में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि टॉप लेवल पर नौकरियों में 2% की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स के हवाले से दिए गए हैं। ऑटोमोबाइल और इससे जुड़ी कंपनियों में सबसे ज्यादा 24% लोगों को नया रोजगार मिला, जबकि एचआर में ये आंकड़ा 17% के करीब रहा। आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में नई नियुक्तियों में 14% की बढ़त देखी गई। बीपीओ और एफएमसीजी सेक्टर में भी नौकरियों में बढ़ोतरी हुई है। चेन्नई में नई नौकरियों में 9% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ सबसे ज्यादा अकाउंटिंग जॉब्स में बढ़त हुई है। अकाउंटिंग जॉब्स में 22% की बढ़ोतरी हुई। मुंबई में एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा 12% की बढ़ोतरी हुई। बेंगलुरु में दिसंबर 2017 के मुकाबले दिसंबर 2018 में 13% ज्यादा नौकरियां मिली। यहां आईटी हार्डवेयर में 18% जबकि सॉफ्टवेयर फील्ड में 22% की बढ़ोतरी हुई। पुणे में नौकरियां 15% बढ़ी। यहां आईटी इंडस्ट्री में नौकरियों में 20% की ग्रोथ देखी गई। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि साल 2019 में कई सेक्टरों में नई नौकरियों की भरमार रहने वाली है। पिछले साल दिसंबर में नौकरियों में बढ़ोतरी उन लोगों के लिए सबक है जो पिछले दिनों बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे थे।